हेलो, वेलकम टू द सिनेमा माइंड। 2006 में क्वांटम ऑफ सोलेस आई थी और पियर्स ब्रॉसनन को रिप्लेस किया था डैनियल क्रेग ने एज ए 007 जेम्स बॉन्ड। उसके बाद स्काईफॉल, क्वांटम ऑफ सोलेस, स्पेक्टर, सॉरी मैंने ऑर्डर गलत बता दी, कैसिनो रॉयल, क्वांटम ऑफ सोलेस, स्काईफॉल और स्पेक्टर, इस ऑर्डर में ये फिल्में आई थी। और ये सारी फिल्में एक दूसरे से कनेक्टेड थी, एक सीरीज में आई थी, एक सिक्वल में आई थी ये फिल्में। स्पेक्टर में हम जिस तरह से देख सकते हैं कि ये कैरेक्टर डैनियल क्रेग का एज ए 007 कैरेक्टर रिटायर हो जाता है, और उस फिल्म में जो उसकी गर्लफ्रेंड बनती है, नहीं मिस वैन, जो पेल किंग की, मिस्टर वाइट की बेटी है, जो मदद करती है जेम्स बॉन्ड को उसके मिशन में, उसके साथ उसके रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू हो जाते हैं, उसी के चलते वो रिटायरमेंट ले लेता है और फिल्म ख़त्म हो जाती है। और उस चारों फिल्म में जो उसके साथ हुआ, जो मिशंस उसने अकम्प्लिश किए, उसका जो मेन लीडर है वो उसका खुद का फॉस्टर भाई निकलता है ब्लूफील्ड, ये सस्पेंस स्पेक्टर में ओपन होता है, उसको वो पकड़वा देता है। अब वो रिटायर हो चुका है, तो उसके जो ये जो प्रोड्यूसर मेकर्स हैं जेम्स बॉन्ड के, वो नया चेहरा लेकर जेम्स बॉन्ड की फिल्म बनाने वाले थे। डैनियल क्रेग की ये आखिरी फिल्म थी स्पेक्टर, लेकिन ये हो नहीं पाया। अब पाँचवीं फिल्म आ रही है नो टाइम टू डाई, इसके ट्रेलर अलग अलग भाषा में लॉन्च किए गए हैं। अब ये क्या स्टोरी होगी, थोड़ा बहुत उन्होंने ट्रेलर में दिखाने की कोशिश की है, मैं हम उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। हम देख सकते हैं कि जेम्स बॉन्ड डैनियल क्रेग अभी रिटायर हो चुका है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्राइवेट लाइफ एंजॉय कर रहा है, लेकिन अचानक से उसकी लाइफ में उथल पुथल शुरू हो जाती है और वो मिस वैन पे, जो शायद गर्लफ्रेंड ही होगी या फिर बीवी बन चुकी है, उस पर वो शक करने लगता है। अब ये शक क्यों करने लगता है वो फिल्म में रिवील हो जाएगा। उसे लगता है कि वो कुछ छुपा रही है, कुछ राज है, और वो उसको दगा भी दे रही है, इस तरह से कुछ कॉन्वर्सेशन हम सुन सकते हैं। दूसरी तरफ मतलब पूरी तरह से उथल पुथल हो चुकी है जेम्स बॉन्ड की लाइफ। दूसरी तरफ उसका दोस्त है CIA में फिलिक्स लाइटर, जिसे हम कैसिनो रॉयल में और क्वांटम ऑफ सोलेस में देख सकते हैं, वो एक अनयूजुअल रिक्वेस्ट लेकर आता है, क्योंकि उसे किसी और पर भरोसा नहीं है, सिर्फ जेम्स बॉन्ड पर है जो अभी रिटायर हो चुका है। अब ये अनयूजुअल रिक्वेस्ट, मिस वैन पर किया गया शक, और एक नई आफत दुनिया पर आई हुई है, एक नया विलन आ चुका है जो अपने आप को भगवान से कम नहीं मानता, एक आधा टूटा हुआ मांस लेकर वो घूमता है, और जेम्स बॉन्ड की पूरी हिस्ट्री उसे पता है। ये सब चल रहा है, और MI6 ने एक नए 007 को भी अपॉइंट किया है, जो लेडी है, लड़की है। ये दोनों, पुराना 007 और नई 007, दोनों आमने सामने आते हैं। नई 007 किसी भी तरह से ओवरशैडो नहीं होना चाहती पुराने 007 से, या फिर डोमिनेंस वो सह नहीं सकती कि पुराने 007 से। तो वो कॉमिक तरीके से दिखाया गया है कि पुराना 007 नई 007 किस तरह से बात करते हैं, और ट्रेलर में आगे जाकर हम देखते हैं कि वो साथ में आकर काम भी करते हैं रिलक्टेंटली। अब मिस वैन ने ऐसे क्या राज छुपाए, मतलब वही बात उसका फॉस्टर ब्रदर, जो जिसको पकड़वाया गया स्पेक्टर में, वो भी बताता है कि जिसके लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, MI6 छोड़ दिया, अगर उसके राज तुम्हें पता चले तो तुम्हारे लिए वो मौत से भी बदतर होगा। तो वो भी इनडायरेक्टली डराने की कोशिश करता है। अब वो क्या राज होंगे वो हमें फिल्म में पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस जो विलन है, जो आधा टूटा हुआ मांस लेकर घूमता है, उससे कहीं ना कहीं इस राज का कनेक्शन है, ऐसा मतलब लगता तो है, सेंस तो होता है। और ये रिक्वेस्ट जो है फिलिक्स लाइटर लेकर आया है वो, तो CIA और MI6, ऐसा ये जॉइंट ऑपरेशन होगा इस फिल्म में, ऐसा देखने को मिलता है। और जो जेम्स बॉन्ड है, उसकी खुद की साइकोलॉजिकल लाइफ जो है, मतलब मेंटल जो है, वो मेंटली डिस्टर्ब है। मतलब हम देख सकते हैं, पहले तो वो ऑर्फन है, उसके साथ हादसे हुए हैं बचपन में। कैसिनो रॉयल में हम देख सकते हैं उसकी गर्लफ्रेंड मारी गई। स्काईफॉल में जो एम थी वो मारी गई, तो उसने बहुत कुछ गंवाया है अपनी लाइफ में, और वो सब हॉन्ट करके उसके सामने आने वाला है, उस विलन के जरिए या फिर मिस वैन के जरिए। अब वो सस्पेंस क्या है वो हमें फिल्म में देखने को मिलेगा। जितना हमने देखा तो इस 2.5 मिनट के, 3 मिनट के ट्रेलर में इतना एक्शन हमने देखा, तो फिल्म में बहुत सारा होगा। अलग अलग ब्यूटीफुल लोकेशंस देखने को मिले, और सबसे बेहतर चेंज मुझे अच्छा लगा कि हैंस जिमर ने इस नई बॉन्ड मूवी को म्यूजिक दिया है, बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है। हैंस जिमर, जिन्होंने क्रिस्टोफर नोलान की बहुत सारी फिल्मों को म्यूजिक दिया है, जैसे मिसाल के तौर पर डार्क नाइट ट्रायोलॉजी, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर,
या फिर पायरेट्स ऑफ कैरिबियन की सीरीज को, ग्लैडिएटर को, ऐसी फिल्मों को बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है, तो कमाल के म्यूजिक कंपोजर है वो। तो ट्रेलर में जितना बैकग्राउंड म्यूजिक सुना वो बहुत ही लाजवाब था। और लोकेशंस तो बेहतर होते ही हैं जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ की, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जिस तरह से ढाई दी, मतलब जितना वो ट्रेलर था, तो मेरे हिसाब से ये ढाई दी, ढाई घंटे की तो फिल्म होगी ऐसा लगता है, बड़ी फिल्म होगी। और एक धमाके के साथ फेयरवेल मिलेगा इस जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर को, जो ऑलरेडी रिटायर हो चुका है, वो स्पेक्टर में नहीं मिला था, अब इस फिल्म में मिलेगा। ये आखिरी फिल्म है एज अ 007, रिटायर्ड 007 डैनियल क्रेग की। इसके बाद वो 007 का जेम्स बॉन्ड का रोल नहीं करने वाले, उन्होंने वो क्लियर किया है। अब जब फिल्म आएगी तब हमें पता चलेगा कि क्या है ये पूरी मिस्ट्री, क्या सस्पेंस है, कौन है ये नया विलन, और दुनिया पे कौन सी नई आफत आई है। एक मेन प्लॉट होगा, बाकी दो सब प्लॉट होंगे, और जो आगे जाके कनेक्ट होंगे एक दूसरे से। और ये जो नई 007 है उसका क्या रोल है, इन दोनों में क्या नोकझोंक देखने को मिलेगी। और जो पुराना क्वार्टर, जो नया क्वार्टर मास्टर हमें स्काईफॉल में देखने को मिलता है, वो भी नाराज़ हो जाता है, हक्का बक्का हो जाता है, वो ह्यूमरस वे में दिखाया है। वो सोचता है कि रिटायर हो गया पुराना 007, नई 007 आई है, लेकिन वापस डैनियल क्रेग को देखने के बाद वो भी हक्का बक्का हो जाता है, नाराज़ हो जाता है कि अब कौन सी अनयूजुअल रिक्वेस्ट इसकी फुलफिल करनी पड़ेगी। तो ये सब कुछ हमें फिल्म में देखने को मिलेगा। और पुरानी जो दो फिल्में थी, मतलब स्काईफॉल और स्पेक्टर, उसे सैम मेंडिस ने डायरेक्ट किया था, और इस फिल्म को कैरी फकुंगा नाम के डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है। अब ट्रेलर तो मुझे धमाकेदार लगा, मतलब अब तक के डैनियल क्रेग ने काम किए हुए जितने भी जेम्स बॉन्ड की फिल्मों का ट्रेलर मैंने देखा, उसमें से सबसे बेहतरीन ट्रेलर मुझे ये लगा, पूरा एक्शन से भरा हुआ। अब जब फिल्म आएगी तो वो हमारे जो एंटिसिपेशन जो पैदा हुई है, जो एक्सपेक्टेशन पैदा हुई है इस ट्रेलर को देखने के बाद, वो पूरी कर सकेगी या नहीं, ये फिल्म के देखने के बाद ही पता चलेगा। तो फिल्म आएगी तब हम इसका रिव्यू करेंगे। अगले वीडियो में मूवी के बारे में, नई मूवी के बारे में, ट्रेलर के बारे में, वेब सीरीज के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।